चलो ठीक है, ओके डन। अभी आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात, क्या मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था, वो प्रदेश में 2.75 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कहना चाहूँगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। मांगे क्या रखी आपने आज जो बातचीत? आज जो मुख्य वित्तीय वित्त से संबंधित मांगे थी, उसमें 2016 का जो एरियर जिसकी देनदारी लंबित है उस पर चर्चा हुई, डीए इंस्टॉलमेंट उस पर चर्चा हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हमारे अनुबंध आधार पर 2022 में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनको सरकार ने जो 3/12/2023 को एक अधिसूचना जारी की कि उनके साल में एक बारी नियमित करना है, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आदेश दिए कि ये कर्मचारी साल में 2 बार नियमित होंगे। और एक पे ग्रेड का मसला था, बहुत सारी डिमांडें हमने माननीय मुख्यमंत्री मोदी को दी है। आपसे पहले प्रदीप ठाकुर जो गुट है वो भी मुख्यमंत्री से मिला है, मान्यता को लेकर अब बात हो रही है, क्या मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला या आपने भी मांग रखी कि मान्यता मिलनी चाहिए, किस संगठन को मिलनी चाहिए? मैंने माननीय मुख्यमंत्री मोदी से कहा, मैं जिस संगठन से आता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश गैर सरकारी कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार अध्यक्ष हूँ, और उस संगठन में लगभग 35,000 कर्मचारी है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी सब बातों को जानते हैं, किसे मान्यता मिलनी है किसे ना मिलनी है, जिनके साथ कर्मचारी है मान्यता उनको मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने यह आश्वासन दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी वो त्रिलोक ठाकुर के संगठन के साथ होगी, और वो भी हमारे बड़े छोटे भाई है, उनसे भी निवेदन है कि वो इस मंच पर आए और कर्मचारियों के जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें कर्मचारी भी परेशान है, सब मिलजुल कर इन मुद्दों का सोल्यूशन काले और सॉल्व करें। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने यह ऐलान कर दिया है, काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करेंगे मंगलवार के बाद, क्या उनसे कहना चाहेंगे और क्या आप भी सचिवालय कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन करते हैं? सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ संगठन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, उनके अध्यक्ष संजीव शर्मा जी बहुत ही जुझारू नेता है, लेकिन उनके क्या मुद्दे रहे, जिस तरह महंगाई भत्ते की बात हो रही है, हमने जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री मोदी से भी चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपको मना नहीं करा है, मैंने 2 किस्तें आपकी जारी कर दी है पूर्व में, जो 1/1/2023 की और 1/7/2024 की, मुझे कुछ समय दीजिए, और जो माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, अगर माननीय मुख्यमंत्री उस बात पर खड़े नहीं उतरते उसके बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे, सोचेंगे 3 महीने के बाद, पहले जीएससी की बैठक होगी ये निश्चित है। जिस महासंघ 2 गुटों में बचा हुआ है उसकी सचिवालय से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, जबकि महासंघ के बैनर तले सारा कर्मचारी लामबंद होते हैं, अब सचिवालय में आंदोलन करने की नौबत क्यों आई? यहाँ क्या परिस्थितियाँ रही है, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ये सभी लोग सक्षम है, क्या कारण रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जब तक किसी को मान्यता नहीं मिले तब तक संगठन कर्मचारी को जोड़ना भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो हमारे साथ कर्मचारी जुड़े हैं, जिस तरह से मुझ पर दबाव बना, बार बार माननीय मुख्यमंत्री मोदी से हमने मिलने की कोशिश, बार बार डिमांड चार्टर सौंपे, लेकिन मैं एक दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के जो कर्मचारी के प्रति जो रवैया रहा हमेशा सकारात्मक रहा है। मैं जो कहना चाहूँगा ओपीएस बहाल की, वो भी एक इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, कर्मचारियों जो 2 DA किस्त जारी की वो भी एक इनकी इच्छा शक्ति से हुआ है, और आज जो मैं कॉन्ट्रैक्ट जो रेगुलर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा बड़ा पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगा, और 3 महीने माननीय मुख्यमंत्री 6 महीने का समय मांग रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जैसे भी कुछ संसाधन में जुटाऊंगा कुछ होगा तो मैं 1 महीने के अंदर भी कर्मचारी की देनदारियों को किसी तरह देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, इसका संदेश तो यही गया है कि अभी भी 2 धड़ों में महासंघ बटा हुआ है। ये तो देखो मैं प्रेस आप लोगों ने किस तरह आप लोगों ने परखा होगा, वो जो संगठन हमसे पूर्व मिला है वो मैं तो आज भी उनको कहना चाहता हूँ, वो है न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का संगठन। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अपना एक संविधान है, इस संविधान में जो सिस्टर एसोसिएशन होती है पहले उसकी एप्लीकेशन लेनी पड़ती है तब आप इसके सदस्य बन सकते हैं, वो कर्मचारी हमारे छोटे भाई, वो कर्मचारी अभी तक संगठन के सदस्य भी नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप किस विभाग से आते हो, आपकी एसोसिएशन कौन सी है,
एकदम आप NPSI और NGO फेडरेशन खड़ा कर दिया। कर्म मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, कर्मचारी को गुमराह मत करिए। कर्मचारी की बहुत वित्तीय मांगे लंबित है, इनका हमने निराकरण करना है। ये तभी संभव हो पाएगा अगर कर्मचारी इकट्ठे होंगे। मैं दावों के साथ कह सकता हूँ कि 90 विभागीय संगठन के सभी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं और जिस संगठन से मैं खुद भी आता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। वो भी यही दावा कर रहे हैं कि उनका भी संगठन है, वो असली है, असली और नकली की लड़ाई कर्मचारियों पर भारी पड़ी है। बयान ये आया है कि आज मिली JCC हुई है, ये प्रदीप जी का बयान है, और अगली जो JCC होगी वो भी उन्हीं के साथ होगी, ये उन्होंने कहा। कहने का आप समय के साथ साथ देखते जाइए, जिसके साथ कर्मचारी है JCC उसके साथ होगी। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिए, आप सभी लोग जानते हैं मेरे साथ जिस जो कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं वो अपने विभागों में 3-3, 4-4 टेन्योर से अध्यक्ष और मास्टर जी बने हैं, बाकायदा इलेक्टेड लोग हमारे साथ आए हैं। और अब उन्होंने क्या कहा इस बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ, समय के देखते जाए। समय के अंदर विभिन्न मई कार कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने आज मान सम्मान दिया, पूर्व में भी कहा और मैंने अपने दावा कैसे प्रस्तुत किया, माननीय मुख्यमंत्री से सहमत हो, माननीय दूसरे प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठे थे, दूसरे लोग थे, मीडिया सलाहकार जी बैठे थे, हमने अपनी तथ्य के साथ अपने दावा पेश किया है और JCC की बैठक हमारे साथ होगी, इसमें कोई दोहराया नहीं। और कर्मचारियों के हित के लिए हम सरकार के आगे झुके भी नहीं, सरकार का हम सरकार से पहले विनम्रतापूर्वक अपनी मांगों का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कोई ऐसी बात होती है तब उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।